मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम एफ रिव्यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं जूपी लूडो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो दोस्तों आप अपने प्रोफाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी दोस्तों उसमें अपना फोटो एडिट कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम एफ रिव्यू में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जूपी एप्लीकेशन पर जो है आप जो है ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं, साथ ही साथ आप उसमें मनी अर्न भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों चलिए आपको चले जाना मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जूपी एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जूपी एप्लीकेशन से हम यहाँ पर दोस्तों इस पर टैप कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो दोस्तों प्ले का ऑप्शन आ रहा है तो आपको जो है इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है इसलिए जो है यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए दोस्तों हम बिना लेट करते हुए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर से। तो चलिए हम आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आपको हमारा एप्लीकेशन दिख रहा होगा जूपी। तो चलिए हम जूपी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए रिजल्ट मिल रहा होगा। इस वाले बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ आपको इस प्रकार से जो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम आपको समझा देते हैं, नीचे की ओर दो ऑप्शन है, एक होम का है और दूसरा जो अकाउंट का। अभी जो दोस्तों हम होम वाले ऑप्शन पे है यहाँ पे हमारा, और ऊपर के साइड में आप अगर देखेंगे यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है और यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों बिना लेट करते हुए आपको अकाउंट वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप अकाउंट वाले बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आएगा एंड उसके ऊपर जो है वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन है, उसके ऊपर जो है लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन है। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं दो भाषा में, इंग्लिश हिंदी। तो चलिए और थोड़ी सी अगर आप ऊपर करेंगे तो ऊपर की ओर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और उसके नीचे जो है सी प्रोफाइल लिखा हुआ आएगा। तो आपको उस वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप इस वाले बटन पर टैप करेंगे तो आपको जो यहाँ पे दोस्तों एक प्रोफाइल के फ़ोटो पे एक पेंसिल का आइकॉन देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हैं। पेंसिल का आइकॉन वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। जैसे पेंसिल का आइकॉन वाले बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, टेक ए फोटो अपलोड फ्रॉम गैलरी। तो चलिए हम अपलोड फ्रॉम गैलरी वाले बटन पर क्लिक करके इसे अलाउ कर देते हैं। जैसे आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फोटो आ जाता है, आपको यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम किसी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सही का आइकॉन बना हुआ आ रही है, देख लीजिए राइट साइड के ऊपर में, तो आपको सही वाले निशान पर जो है टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे तो हमारे यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो जो लग चुका है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप जो है जूपी एप्लीकेशन पर अपना प्रोफाइल फ़ोटो जो है अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है हमें उम्मीद है कि आप जो है सीख चुके होंगे कि आप अपने जूपी एप्लीकेशन में कैसे आप अपना प्रोफाइल जो है अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जूपी, जिसका कि स्पेलिंग है ZUPEE जूपी। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे जूपी लिख के सर्च करेंगे अब देख सकते हैं आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ पे जो है जूपी प्ले लूडो ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए जूपी प्ले लूडो ऑनलाइन कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे जूपी प्ले लूडो ऑनलाइन आ रहा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें और जो है अपने प्रोफाइल आईडी बनाए, प्रोफाइल एडिट करें, जो भी आपको समस्या हो आप हमारे मोबाइल फ़ोन के कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जो है जवाब देते रहेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे मोबाइल फ़ोन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।